इज वेरी गुड मॉर्निंग. टुडे इज मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी में ब्लॉग बना रही हूँ. टुडे इज 11th ऑफ मे और टुडे इज फर्स्ट डे आई एम गोइंग कॉलेज अलोन. मतलब कि मैं अकेले रही और फिर अब अकेले जा रही हूँ सुबह उठ के. और वैसे मैं टाइम से उठ गई, सब कुछ मैंने टाइम से किया, बट थोड़ा रूम में पानी सप्लाई की प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आधा घंटा लेट हो गई. 9:30 जाना था, 10 AM हो चुका है, बट मैं अब जल्दी जल्दी जाती हूँ और कॉलेज जाके फिर आपसे मिलती हूँ. एंड देन आई विल शो यू व्हाट वी विल डू टुडे. है सुबह का व्यू मैं कॉलेज के पास का, मतलब सुबह उठते ही पहाड़ी पहाड़ और ऐसी ग्रीनरी, अच्छा सा वेदर. मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में दिस इज़ द मोस्ट डिफरेंट चेंज. थोड़ा अजीब भी लग रहा है और मतलब ये वेदर ये सब अजीब सा लग रहा है. गर्मी की आदत है ना, तो यहाँ तो वेदर बड़ा कूल है, बट सही है. गाइस मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और दिस इज़ दे ऑल आर रेडी. टुडे इज विद LP एंड टुडे इज़ आर एजुकेशनल ट्रिप. और ये हमारे सारे पूरे बैचमेट है और अब आज हमें जाना है एजुकेशनल ट्रिप पे फॉर सिटी टूर. UCOST यहाँ पे प्लेस है और पता नहीं कैसी प्लेस टाइम आया है. मेरे पीछे वंशिका, शी इज आर गाइड, शी विल गाइड अस, क्योंकि ये लोकल गाइड है तो वो बता देगी सब कुछ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या होना है. बट अब हम देखते हैं यहाँ पे जो होगा क्या होगा. सो फ्रेंड्स वी हैव रीच्ड हियर, इट इज़ अ साइंस सिटी. तो हियर वी विल गेट टू नो अबाउट सम न्यू फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज अबाउट साइंस. दिस इज द साइंस, क्या है साइंस सिटी. यहाँ पे जो कुछ है पता नहीं, हमें गलत जगह उतार दिया. उसके बाद हमसे कहा कि दोबारा बैठ जाओ 5 मिनट के लिए सही जगह जाने के लिए, बट हमें नहीं बैठना है. वी कैन गो बाय फुट. अच्छी वॉक हो रही है, अच्छी एक्सरसाइज भी हो रही है आई थिंक. गाड़ी सो फ्रेंड्स बस यही हो रहा है, वॉक ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है. हम चल रहे हैं, हमारे पीछे बस हमें फॉलो कर रही है. सो गाइस इधर हम सब आ चुके हैं और मुझे लगता है कि गौरी शुक्ला. ओके सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल. साइंस सिटी है और यहाँ पे मुझे लगता है फोटो शूट का काफी अच्छा, बहुत ही सही एरिया दिया हुआ है. हम यहाँ पे अच्छा सा फोटो शूट कर सकते हैं, हम इस गार्डन में वॉक कर सकते हैं. सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है. आगे तो हमें पता नहीं है करना क्या है. वी आर गोइंग, लेट्स सी करना क्या है, क्या होगा यहाँ पे. गाइस आई थिंक हमें जाना नहीं है, हमें दोबारा वापस जाना है यहाँ पे. हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा आना है और फिर वापस चले जाना है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. फ्रेंड्स ये सही कह रहा है, बस यही हो रहा है, बस यही हो रहा है. हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. नमस्ते नमस्ते. डेस्टिनेशन जो हम फाइनली जहाँ पहुँचे हैं, मतलब दिस इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम चलने के बाद पहुँचे हैं. यस फ्रेंड्स. सो गाइज हमें वेट करते करते 15 मिनट से ज्यादा हो चुका है और हमारा वीडियो का एक टेक भी रह गया. यस फ्रेंड्स तो हम वो भी करेंगे, बट हमें यहाँ आना था तो हम आ चुके हैं दोबारा वेट करने वॉक करके और थोड़ी सी रील शूट करके जो हम शूट नहीं कर पाए. अब हम यहाँ आए हैं फोटो शूट के लिए दोबारा से. फाइनली वी हैव एंटर्ड इनसाइड दिस साइंस सिटी और काफ़ी मतलब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब काफ़ी कुछ दिख रहा है पर हमें इन सब के बारे में अभी नॉलेज नहीं है इतनी, बिकॉज वी हैव अराइव्ड हियर फर्स्ट टाइम. तो चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे. ये है फ्लोटिंग बॉल. सो फ्रेंड्स इसमें अभी क्या हुआ क्या हो रहा है. अच्छा दिस इज वेरी नाइस. तो फ्रेंड्स ये है फ्लोटिंग बॉल. हियर इज मैसेज फ्रॉम डेप्थ. तो ये इट इज समथिंग अबाउट वाटर. कम ऑन यू कैन डू इट अच्छे से. शी इज यूजिंग पावर इसको चलाने के लिए. बहुत मेहनत कर रही है ये पर ये चला ही नहीं है. ये फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए मेहनत चाहिए और ये नहीं चल रहा है. अरे
नहीं चल रहा, तब भी नहीं चल रहा। ये क्या है? इसमें आइसक्रीम वाओ फ्रेंड्स, यू कैन सी साफ सुथरी आइसक्रीम। क्या है ये, है क्या? बाल वाला है ना? बाल? अच्छा, कैंडी, कॉटन कैंडी। फ्रेंड्स इट इज बवंडर, बवंडर हेड ऑन प्लेटर। इट्स लुकिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है अंदर? मेरा प्लेस है। अब यहाँ जा रहा है प्रणव फोटोशूट के लिए रेडी, और इसका मैजिक आप देखिए। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस यही लग रही है, मैजिकल प्लेस टाइप्स। अब आप देखना, यहाँ से एक हेड वो होगा प्रेजेंट। अरे वाह, बहुत सही। अरे ये तो साइकिलिंग, क्या है ये? ये है फ्लोट द बॉल्स। फ्रेंड्स इसमें साइकिलिंग करनी है, और साइकिलिंग करके जो बॉल है वो यहाँ से ऊपर जाएगी। हाँ ये होगा इसमें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये क्या है? ये बिना पाइप का नल। अरे हाँ, बॉल। और इसमें से क्या होगा, क्या हो रहा है इसमें? बॉल नीचे आ रही है और फिर नीचे गिर जा रही है, फिर वापस जा रही है। और खड़े खड़े हमारा टाइम वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यही है इस एनर्जी बॉल का पर्पस और प्रोसेस जो भी है। ये बॉल जो हो रही है कैलिडोस्कोप, इसमें क्या हो रहा है? ये तो बहुत सही हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ समझ गए मैं। इल्यूजन रिंग्स ये चला दे रहे हैं, ये वाइब्रेट हो रहा है। फ्रेंड्स इट इज बदलते रंग। अच्छा ये आपको सामने पेंट दिख रहा है, और आप इसके थ्रू देखेंगे? नहीं दिखेगा। तो आपको देखिए पेंटिंग से दिखेगी, और ये सीनरी टाइप। तो फ्रेंड्स ये है विराम, पता नहीं, स्टॉप मोशन एनिमेशन। अब इसे आप प्ले करते हैं। फ्रेंड्स ये स्टॉप मोशन एनिमेशन है, इसमें गेम बनाना है ना? ये रंगीन छाया, यहाँ तो फोटो ही बड़ी अच्छी आ रही है। अब ये लोग बताएंगे कुछ दिख रहा है शेडो में, कलरफुल या नहीं? फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये है कैरम टाइप्स का, ऑल रोड्स लीड टू रोम। ये है मिरर, पता नहीं किस टाइप की। चलो चलो, हाँ यहाँ यहाँ पे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये तो सबसे फनी है। ये क्या? इसके लिए सही है, हाइट वाला फोटो खींच दो। ये बढ़िया है, पफ पैन है, और इसमें अलग अलग सॉन्ग्स आ रही हैं, पर मुझे तो एक ही सॉन्ग सुनाई दे रही थी, पता नहीं मेरे कहाँ से। ये है ध्वनि, दिस इज विजुलाइजिंग द साउंड। हाँ फिजिक्स में। गाइस ये आभासी वीणा वर्चुअल हार्प, ये सब फ्रेंड्स ये बजाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें म्यूजिकल नोट्स आएंगे पर कुछ भी नहीं आ रहा इसमें तो। ये है वेव मोशन, और ये सैंड आर्ट चल, ये तो चलेगी तो ये तो उड़ जाएगी, फिर इसमें आग क्या रह जाएगी? अच्छा तो क्या है, बस यही है, तीन चार भटकते बालक और ब्लॉगर्स जो नीचे के नीचे ही अभी तक, और आधा म्यूजियम खाली हो चुका है, आगे हमारी फैकल्टी है। सो गाइस ये था ग्राउंड फ्लोर का व्यू, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जितने भी इक्विपमेंट्स रखे थे टेक्निकल। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, करने जा रहे हैं फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो देखते हैं क्या है। और गाइस
कहीं नहीं छोड़ते एक दूसरे को। तो सेलिब्रिटीज देखी नहीं कैमरा, कई सेलिब्रिटीज देखी नहीं कैमरा ऑन करते थे। ओ हो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप सेल्फ फुटेज वर्टिकल फार्मिंग। ये तो टेरिस डिजाइन अभी आपने सुना होगा ना डिजाइनर बेबी इसके बारे में। सुबह लेने को भी डिजाइनर बन ओके माय एवरीवन एंड दिस आर सेल्फ सेल्स। तो आप बताइए ग्रीन कलर का, डू वी वांट अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय? बेबी गर्ल। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी दोनों की। डिजाइन बिकॉज लाइक वी कांट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम नेचर, लाइक बेबी इज फ्रॉम इट्स अ गॉड गिफ्ट, वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। थैंक यू मॉम। दिस इज एग्यूमेंटेड ह्यूमन। ये क्या है एग्यूमेंटेड ह्यूमन यार, डेंजरस सा लग रहा है जस्ट लाइक हम। दिस इज कार्बन नैनो ट्यूब। इसमें क्या होता है जब हम मार्स में किसी रोबो को देखते हैं ना, उस चेंजेस को दिखाया शेप में मुझे लाइक है, ये शेप में तो जैसे ही बटन प्रेस करते हैं इसमें ए होता है जो लोडिंग कंडीशन में ये पैटर्न बनाता है, आपको ये पैटर्न बनाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि हार्ट में ब्लॉकेज जो आती है तो डॉक्टर करता है हार्ट में स्टैंड डालता है स्टैंड प्लास की, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है स्टैंड बलून से इतना आता है एक्सपेंड हो जाता है उसी की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद कंप्रेस होकर स्टैंड डेफिसिट में वापस आ जाता है। तो ये ठीक है फ्रेंडशिप ने बंकिंग स्टोरीज बता रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरे वाओ पहुंच गया हम इजिप्ट। फ्रेंड्स ताजमहल पहुंच चुके हैं, मैं अपनी यूपी में आ गई वापस। आ जाओ आ जाओ, उत्तराखंड में ही आ गए, देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। अच्छा ये चाइना है, चलो हमें और देख लेते हैं। ठीक है 3G एंड 4G सेल्यूलर कम्युनिकेशन। ये क्या हो रहा है? ये हमारे डाटा को दिखाया चला है इसमें कि जैसे हमारा फर्स्ट जी आया था कितने डाटा में ट्रैवल कर रहा था, 2G आया वो कितना और फ्रॉड हो गया, 3G 4G देखेंगे तो वो और ज़्यादा फ्रॉड हो गया क्योंकि डाटा ट्रांसफर काफ़ी। फ्रेंड्स लड़ाई इधर एक अच्छी वीडियो बन रही है, अब इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी तक। क्षितिज, मैं मालविका और ये नाम है हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु ही इज फ्रॉम दिल्ली तो मुझे पता है। ओ हो फ्रेंड्स इन्होंने मुझे मॉम, यानी कि मुझे पहले लगा इजिप्ट वाली मम्मी, इन्हें बोला फिर मुझे, फिर बोला दोबारा मम्मी, मैंने कहा मॉम, मैंने कहा मॉम, फिर अब पता चल गया मार्स ऑर्बिटल मिशन ब्राह्मण। ये इसके अंदर अर्थ है क्या? हाँ वो 3D में दिख रहा है। हाँ इज इन एड ऑफ ह्यूमन कंफर्ट। और इधर है क्या? ये सिनेमा कॉर्नर है, हमारे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। अच्छा ये अब इधर जाएंगे, यहाँ से हम आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं हिमालयास गैलरी में। तो हिमालय घूम के थके हुए लोग, सच में सबसे ज्यादा थके हुए ये जो थक चुके हैं घूमने के। वाह फ्रेंड्स ये घूम के थक चुके हैं और अभी बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं, हम चलते हैं एंट्री लेते हैं। ये तो प्रॉपर सामने देखिए, ये ओरिजिन ऑफ अर्थ दिख रहा है जैसे हमारे उसमें था। ये क्या है? 24 hours जियोलॉजिकल क्लॉक। 10 हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयस। हम ऑपरेट करेंगे और वहाँ पे हम घूमने पहुँच जाएंगे, जो माउंटेन पे हमें जाना है उसी पे। जय माता दी करके तुक्का लगाओ। ग्रुप ए वाह, अरे वाह वाह वाह, हिमालय फ्लड सही सारे। अच्छा लैंड फॉर्मिंग स्पोर्ट्स फेवरेट पार्ट है हमारा, जो मुझे सब करना है, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हिल स्कीइंग, हॉट एयर बलून,
स्कीइंग हो गई, पैराग्लाइडिंग जो मैं कर चुकी हूँ, हैंग ग्लाइडिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, साइकिलिंग, हाँ नॉर्वे जो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम गए थे 29 मई 1953। और ये क्या कहो क्या पे फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट, कल्चरल एक्टिविटीज, वे ऑफ लाइफ इन हिमालयाज, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। यार ये तो वो वाले लोग हैं ना, लेक्स ऑफ द हिमालयाज, हमें छोड़ के चले गए क्या? अभी हमने वो नहीं देखे, पासेस और ब्रिजेस तो देखे, ये हो गए हिमालयन फॉसिल्स, ये देवीज के टेम्पल है आई थिंक, और ये है पासेज और ब्रिजेस। फ्रेंड्स सब जा चुके हैं, बस हम ही दो तीन बच्चे हैं और अब हम भी जा रहे हैं, कभी हमें छोड़ के चले गए हमारे कॉलेज वाले, बट ऐसा नहीं करेंगे, दे आर नाइस पीपल्स। ये जा चुके हैं, बस हम ही तीन चार बच्चे हैं यहाँ पे और सब एकदम आगे, हम कुछ ज़्यादा डेप्थ नॉलेज ले रहे थे आगे बस फैकल्टी है सारी। और गाइस हमें बस में बैठे हुए बहुत देर हो चुकी है और हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, और इधर तो ही सोने वाली है मुझे लगता है थोड़ी देर में, मतलब पहुंचे नहीं। हाँ वही समझ लीजिए फ्रेंड्स, रास्ता दूरी होते जा रहा है, हमारी डेस्टिनेशन दूरी होती जा रही है, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सही नहीं बैठ पा रहे हैं, पूरी सीट नहीं मिल रही है बैठने सही बात फ्रेंड्स, सबसे ही इज राइट फ्रेंड्स, आई एम वेरी सिटिंग वेरी अनकंफर्टेबली, असली सीट तो इसकी है, भारी है ये बच्चा जो गोदे में बैठा है जो बच्चा नहीं है ये जो बैठे हैं बच्चे के गार्जियन, ये बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ये भावुक हो चुके हैं, इनकी आंखें भर आई हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड पैसिफिक मॉल और हियर दे ऑल आर, यो ओके सो अब हम अंदर चलते हैं फिर देखते हैं, रील शूट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तो हम शॉपिंग तो करेंगे नहीं, वी विल शूट रील्स एंड एंजॉय द। हम एंटर हो चुके हैं, हमें एक घंटे का टाइम मिला है, एक घंटे में उन्होंने कहा है पूरा घूम के आना है, मतलब घूमना ही है, सिर्फ वॉक ही करनी है, यहाँ भी कुछ करना थोड़ी है, तो एक्चुअल में एक घंटे में हमें वॉक करनी है बस। सो फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं और हम आपको शॉपिंग भी करते हुए दिखाएंगे, लोगों को हम नहीं करेंगे पर जो शॉपिंग करेंगे हम उन्हें दिखा देंगे कि यहाँ पे कैसा मटेरियल है, सब कुछ कैसा है, सारे अच्छे अच्छे शोरूम्स ही हैं यहाँ पे, तो बट हम इस टाइम शॉपिंग नहीं करेंगे, अभी ऑलरेडी हम इतनी शॉपिंग करके आए हैं तो और कितनी शॉपिंग करेंगे फ्रेंड्स। सो चलते हैं घूमते हैं एक घंटा,